हेलो दोस्तों, मैं आरजू आरजू की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पटेटो पनीर समोसा रोल। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक बॉल लिया है, बॉल में मैं एक डो तैयार करने वाली हूँ उस रोल के लिए, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम के कप में मैदा लिया है। 1 स्पून मैंने ऑयल लिया, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी कलौंजी जिसे हम मंगरेला भी कहते हैं, थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ये सब मैंने ले लिया। अभी से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका एक स्मूथ सा डो तैयार करते हैं। अच्छे से मिक्स करना है। जो ऑयल हमने डाला है, जो भी इसमें डाला है, वो अच्छे से मिक्स होना चाहिए इस तरह से, वरना ये गांठ गांठ सी बन जाती, वो नहीं रहनी चाहिए। तो इसे हम हाथ से ही तैयार करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं तेल मिक्स कर रही हूँ मैं। ये मिक्स हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसे एक डो स्मूथ सा तैयार करेंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी ऑयल लगा करके इस तरह से 10 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और चलिए इसके जो अंदर की फिलिंग है उसे हम तैयार करते हैं। तो चलते हैं अब हम गैस की तरफ और देखते हैं कैसे बनानी है इसकी फिलिंग। अब मैंने कढ़ाई रख लिया गैस के ऊपर और ये कढ़ाई हमारा बिल्कुल हीट हो चुका है। अब इसमें मैं 1/2 स्पून ऑयल डालूंगी इस तरह से। अब देखिए ऑयल भी हीट हो चुका है अच्छा खासा। मैं इसमें सबसे पहले पचफोड़न डालूंगी। ये देखिए, ये रहा पचफोड़न, ये मैंने छोटी स्पून से डाली है बिल्कुल। अब इसमें मैं पिसा हुआ 1/2 स्पून गार्लिक डाल दी हूँ, लहसुन का पेस्ट, थोड़े हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इसे मैं अच्छे से बिल्कुल चला लूँगी ताकि लहसुन हमारा पक जाए। पक गया है ये हमारा उड़न जो है। अब इसमें हमने 4 आलू उबाला था, उसे मैंने मैश करके इस तरह से मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, 2 कटी हुई हरी मिर्च। आप चाहें तो ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए आप, इसे हम निकालते हैं एक बर्तन में। डो हमारा बिल्कुल तैयार था। अब चलिए इसे हम फ्लोर पे थोड़ा डस्ट करके और इसे एक बड़ा सा रोटी बेल लेते हैं इसका। तो दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह से इसे हम 2 लोई बनाएंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा डो है। इस तरह से हमें रोल करके अब इसका एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है मुझे। ज्यादा बारीक नहीं बेलना है और ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो चलिए इसे एक अच्छी सी रोटी बनाते हैं, बड़ी बड़ी सी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ी सी रोटी बेल ली है, बिल्कुल काफ़ी बड़ी सी रोटी के साइज से बड़ी। अब इसे हमें करना क्या है, इसे मैं हमें कट करना है, शेप देना है, क्योंकि हमें पोटैटो पनीर रोल बनाना है। तो कैसे बनाना है ये, तो ये देखिए, इसके लिए मैं एक चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेना। आपके पास अगर पिज्ज़ा कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, वरना इजली आपके लिए चाकू सबसे आसान है। तो आप चाकू की मदद से इस तरह का शेप में कट कीजिए और आप देख सकते हैं एक बार में कितने सारे रोल बन जाएंगे। ये देखिए, ये शेप में मैंने काट लिया है और ये वो फिलिंग है जो मैं तैयार कर रही थी। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, कलरफुल आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसके साथ हमें क्या करना है। सबसे पहले 1 स्पून मैंने ये फिलिंग ली है और इसे अच्छे से इस कटिंग पे इस तरह से, हाँ इस तरह से स्प्रेड कर लेना है बारी बारी से।
ये देखिए मैंने सारे पे स्प्रेड कर लिया, इस तरह से चिकनी चिकनी सी, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये बहुत ही। और इसके साथ साथ अभी मैं कुछ और भी डालने वाली हूँ। मैंने ये पनीर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है बिल्कुल, अब मैं इसके ऊपर ये भी डालने वाली हूँ। इससे एक अलग सा फ्लेवर आएगा पनीर का, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये येलो येलो वाइट वाइट। इसी तरह से सारे पे हम स्प्रेड कर लेंगे थोड़ी थोड़ी, क्वांटिटी आपकी जितनी हो उसी हिसाब से आप इस पे स्प्रेड कर लें चारों तरफ से। सकते हैं मैंने सारे इस पे पनीर डाल दिया है। अब हमें करना क्या है, अब ये देखिए जो हिस्सा ये हमारा खाली है इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे ताकि जब हम इसका रोल बनाएं तो ये खुले ना। ये इस तरह से सभी हिस्से पे हमने पानी लगा दिया इस तरह से, ये हो गया। अब देखिए इसे रोल का शेप हमें देना कैसे है, तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको रोल का शेप किस तरह से हम देंगे। जैसे ये पीस, इसकी कट आप देख सकते हैं इस तरह से हमें लेना है। और ये बारीक सा यूं इस तरह से फोल्ड करते हुए आप देख सकते हैं, टफ तो बहुत है बट जब आप करेंगे तो आपको ये आसान लगने लगेगा। ये देखिए ये हमारा रोल तैयार हो गया है बनके, बहुत अच्छे से इसे फ्राई करेंगे तो इसमें एक अलग ही सर शेप आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से, अब इसी तरह से हम सबको इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। सारे को बारी बारी से हमें इसी शेप में खा लेना है। एक तो जब शेप अलग आता है तो बच्चों को भी बहुत खुशी होती है और बनाने में भी मजा आता है कि चलो कुछ अलग है। इसी शेप में इसी तरह से बारी बारी से हमें रोल करना है और फिलिंग भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से भर चुकी है। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह से सभी को हमें तैयार कर लेना है। तो ये तैयार है हमारा पटैटो पनीर रोल समोसा जो मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ, ये बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे हम फ्राई करते हैं और फ्राई करके इसका कलर देखते हैं क्या आता है और किस तरह से दिखता है। इसे निकालना है बारी बारी से, आप देख सकते हैं बिल्कुल डीप फ्राई हो चुका है और बाकी जो भी बचे हुए हमारे पास ये वाले रोल बने हुए हैं इसे मैं बारी बारी से डीप फ्राई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी। प्लेटिंग कर ली है, ठीक है आप देख सकते हैं इसे सॉस के साथ हम खाएंगे और आप देखिए कितना बढ़िया शेप आया है इसका, खासा करारे करारे बने हैं। आपको दिखाती हूँ मैं तोड़ के, वाह आप खुद देख सकते हैं कितना बेहतरीन सा कलर आया है। अब इसे खाइए कुछ इस तरह से बना करके, तो आप टेस्ट कीजिए और कमेंट में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।